मान और सम्मान के योग्य सर्वोद्धव में पधारे सभी प्रभुजनों का स्वागत है। जैसे कि आपने पता कि हर रविवार को एक विषय पर संगोष्ठी होती है और आज का विषय है आज़ादी के बाद भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति है, और इसके मुख्य वक्ता हैं अनीता शर्मा जी। अनीता शर्मा जी कई संस्थाओं में काम करती हैं, जनवादी लेखन संघ की उपाध्यक्ष है, पहले तर्कशील सोसाइटी होती जिसमें डॉक्टर महेंद्र जी भी काम करते थे, तो उन महिलाओं को लेकर के भी महिलाओं में काफ़ी जागृति का काम जो है कर रही हैं। तो मैं अनीता शर्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पे आए और आज़ादी के बाद महिला में कैसी कितनी क्या जागृति आई है वो हमें विस्तार से बताएं। अनीता शर्मा, आदर और मान के योग्य यहाँ प्रभुजन, मैं कोई बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कहा गया कि आज मैं कुछ थोड़ा बातचीत करूँ कि स्वतंत्रता के बाद आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और कुछ जो पहले जो महिलाओं की स्थिति थी इसमें आज क्या अंतर पड़ा है, इस पर संवाद करने की मेरी ड्यूटी लगी है। मैं अपनी बात जो है वो यहाँ से शुरू करना चाह रही हूँ। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है, शायद इरफान हबीब का लेख था, या शायद हो सकता है मैं चूक भी जा रही हूँ। वो लिखते हैं कि कुछ दशक पहले फ्रांस से उनके एक मित्र हिंदुस्तान घूमने आए, और जब घूमते वो दिल्ली मेरे पास आए और मैं उनके साथ दिल्ली के बाजारों में घूम रहा था, ये कम से कम 60 के दशक की बात है, तो उस मित्र ने मुझसे कहा कि क्या आपके भारत में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मैं भारत के जिन भी बड़े शहरों में घूम के आया हूँ मैंने महिलाओं को बहुत कम देखा है। तो कहते हैं लेखक कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आज अगर वही मित्र हमारे देश में आते तो वो देखते कि इस मसले पर एक तरह की क्रांति हुई है। आज़ादी के बाद इस बड़े परिवर्तन को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, कंपनियों में सीए हैं, कंपनियों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में हैं, मिलों में हैं, सरकारी विभागों में काम कर रही हैं, अध्यापिकाएं तो बहुत बड़ी तादाद में हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो और जो ऐसे वर्जित क्षेत्र जो कल तक समझे जाते थे कि पुरुषों के ही हैं, इनमें महिलाएं शायद कभी नहीं आ सकेंगी, उनको भी चुनौतीपूर्ण ढंग से महिलाओं ने लिया है और काम किया है। इसमें सेना और फौज पुलिस ये उदाहरण के लिए बताया जा सकता है, और भी ऐसी चीज़ जोखिम भरे विमान चलाती हैं, कोई चीज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि अब तो बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ को चिन्हित कर पाए कि इस काम को महिलाएं नहीं कर रही हैं। वैज्ञानिक हैं, लिखती हैं, तो और बाहर बखूबी खूब दिखती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि हाँ बस हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसकी तुलना हम पीछे से अगर करेंगे कि पीछे क्या था, हम तो नहीं पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप भी बहुत छोटे थे, खासकर मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मेरे माँ बाप तो छोटे थे। हाँ कुछ साहित्य अगर हम उस दौर का पढ़ते हैं तो हमें महिलाओं की स्थिति भारत में उस समय क्या थी, खासकर मुझे जो जानकारी स्थिति की मिलती है वो ज़्यादातर पंडिता रमाबाई की किताब हिंदू स्त्री का जीवन, उसमें बहुत ज़्यादा उसने पीड़ा के साथ लिखा है, शायद कोई पुरुष लिखता तो वो इस जगह से ना भी लिख पाता, जिस तरह से हिंदू स्त्री का जीवन में पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की स्थिति को उभार कर रखा है कि क्या थी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, हमें उस पर जरूर बात करनी चाहिए। उससे तुलना करते हुए ही हम भारत की आज की स्थिति जो महिलाओं की उसके साथ कुछ तुलनात्मक ढंग से जो है कुछ उसको देख सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। तो महिलाएं जाहिर सी बात है बहुत सारी बुराइयां हमारे देश में थी, उत्पीड़न था, दलित और महिलाओं का तो शोषण खूब था, जी भर के था, और बिल्कुल मान्यता प्राप्त ढंग से था,
उसको कोई अन्याय की तरह से तो मुझे लगता है आज भी कोई दर्ज नहीं किया जाता है, जब तो दर्ज करने का मतलब ही नहीं था, जबकि धर्म का आवरण उठा दिया जाता हो ऐसी परंपराओं को, ऐसे रीति रिवाजों, क्योंकि ये तो हमारे धर्म में है, इस तरह से मान लिया जाता हो तो और भी ज़्यादा जो है पीड़ादायक हो जाते हैं। महिलाओं का बाल विवाह था, छोटी सी उम्र में विवाह हो जाता था, वो जीवन को समझ भी नहीं पाती थी कि विवाह क्या होता है, कि उनकी उनकी शादियां कर दी जाती थी, उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास होना होता था वो होता ही नहीं था, उससे पहले वो गृहस्थी के चक्कर में फंसी हुई होती थी, वो शायद कभी जवानी नहीं होती थी, बच्ची होती थी फिर बूढ़ी होती थी, और जवानी क्या चीज़ होती है, उससे वंचित रह जाती थी उनको, और उस समय इलाज भी बहुत कम था। आज जो विज्ञान ने उन्नति की है बीमारियों के, जिस तरह से इलाज होते हैं, उस समय नहीं था, नहीं था, इसका मतलब ये था कि बहुत सारी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, तपेदिक और हैजा जैसी बीमारियों के आक्रमण होते थे, उनमें गांव के गांव, आधे आधे गांव के लोग मर जाते थे उनमें, जब उन महिलाओं के छोटेपन में शादी होने की वजह से उनके पति मर जाते थे तो बहुत बड़ी संख्या में बाल विधवाएं हो जाती थी, दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी, जब तक वो ये समझने लायक होती थी कि विवाह भी होता है तब तक उसे पता चलता था कि वो तो विधवा भी हो चुकी है, और उसे किस तरह का जीवन जीना होता था, सिर मुंडा दिया जाता था, सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ते थे, कठिन जीवन जीना पड़ता था, रंगीन वस्त्रों का परहेज होता था, उन्हें अशुभ माना जाता था, किसी भी शुभ कार्य में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें रूखा सूखा खाना होता था, क्योंकि वो पकवान या वो खाएंगी तो उनमें वासनाएं पैदा हो जाएंगी, ऐसी मान्यताएं हैं, तो उन्हें बहुत रूखा सूखा खाना होता था, सादा जीवन जीना होता था, दरी पर सोना होता था, भगवान का भजन करो सारे दिन उनके लिए आदेश होता था, और अगर वो किसी की कुवासनाओं की शिकार हो जाएं तो उनका दंड, गर्भवती अगर होगी तो उन्हें ही भुगतना पड़ता था, या तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता था या उनकी हत्या हो जाती थी। दहेज जैसी बीमारी जो आज, अगर हम और बीमारियों से कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज लड़े भी होंगे हमारा समाज, भारतीय समाज, और मैं सोच रही थी कल, दहेज जैसी महाबीमारी से तो हम खूब जोर लगाकर भी नहीं लड़ पाए, और चीज़ों में शायद हम ठस के मस हुए होंगे, थोड़े बहुत हिले होंगे, थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज कर लिया होगा, लेकिन दहेज ये तो गजब की बात है, इस पर तो हम बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है, ये उस समय भी थी, और गरीब लड़कियों का के माता पिता जब अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाते थे तो वो किसी ऐसे मरने वाले प्राणी को देखते थे, कोई बुजुर्ग अगर मरने वाला होता था कि शायद हफ्ते में या 10 दिन में मर जाने वाला है, तो उसके हाथ में अपनी लड़की का कन्यादान कर देते थे, भाई तुझे तो मरना है, कुछ फर्क पड़ना नहीं है, और हम इस लड़की के भार से मुक्त हो जाएंगे, तो प्लीज इसका पाणी ग्रहण संस्कार करवा लो, हमारे पास दहेज है नहीं, आप देखिए मरना है जिसने, उससे उस अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं कि प्लीज इसका हाथ ले लो, और आप तो मरना ही है, आपने तो हमारा बोझ उतर जाएगा कि हमने शादी तो की थी भाई, चलो विधवा होगी, आप देखो कितना क्रूर मजाक, घिनौना मजाक किसी के जीवन के साथ, इससे ज्यादा घिनौना मजाक क्या हो सकता है, ये हो रहा था। पंडित रमाबाई लिखती हैं कि मेरी माता की शादी भी इसी तरह, मेरे पिता मेरे नाना को हरिद्वार में मिले थे, और उन्होंने मेरी माँ का हाथ बिना जाने कि ये पुरुष कैसा होगा, सिर्फ ये जान कर मात्र कि ये ब्राह्मण है, और अपनी 16 साल की लड़की 40 साल के पुरुष को उन्होंने वहाँ हरिद्वार में ही उसका हाथ थमा दिया कि लो मैंने शादी कर दी तुम्हारे से, और भेज दिया। ये तो दूसरी बात है कि उनके पिता बहुत जागरूक थे और बहुत अपने समय के विद्वान थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया जिसने कि पंडिता रमाबाई को फिर पढ़ाया, और वो एक बहुत बड़ी विद्वान समाज सुधारक बनी, अलग बात, लेकिन उनके नाना की जगह से देखे तो उन्होंने किस तरीके से विवाह कर दिया, कन्या भ्रूण हत्या होती थी और इतने भयानक तरीके से होती थी, उसको कन्या के जन्म पर दो दो तीन तीन पीढ़ियां बड़े गर्व के साथ रहती थी कि हमारे यहाँ तो लड़की, हमारे यहाँ तो देखो खानदान में लड़की नहीं है, हत्या कर दी जाती थी नाइयों के, नाई के नान के द्वारा जो जन्म देती थी, मारने के अनेकों तरीके उन्होंने इजाद कर रखे थे।
और वो बड़े आराम से उसको कर देते थे और मूछों को ऊपर करके कर देते थे, ताव देते थे। जितने ज़्यादा बड़े उस पर होते थे उतने ही ज़्यादा मूछों को ताव देकर लड़कियों की हत्या की जाती थी पैदा होने से। शायद बाहर बताते भी नहीं होंगे कि लड़की हुई थी, अनपढ़ता थी, शिक्षा महिलाओं को वर्जित थी, महिलाओं को पढ़ना बिल्कुल नहीं था, ज्ञान किसी तरह का नहीं लेना था, घर में हिंसा की शिकार होती थी तरह तरह से, और घर से बाहर निकलना बिल्कुल वर्जित था, उन्हें कोई सार्वजनिक जीवन नहीं जीना था। यही कारण है कि वो पैरों में चप्पल तक का भी हमारे यहाँ महिलाओं ने आंदोलन लड़ा है कि महिलाएं पैरों में चप्पल पहने, वरना चप्पल भी महिलाएं नहीं पहनती थी। और पहली बार जिस महिला ने चप्पल पहनकर मोहल्ले में निकली तो उसने अपने आप को लोगों के द्वारा वेश्या कहाया। यानी हम देखें कि एक एक चीज के लिए कितना सेक्रीफाइस किया गया है। एक महिलाओं को चप्पल तक पहनने के अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा है, त्याग करना पड़ा है कि ये चप्पल हम पहन सकें। तो हम उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति महिलाओं की रही होगी। आज अगर हम देखते हैं कि किन पीड़ाओं से वो महिलाएं गुजरती होंगी। सावित्रीबाई फूले का शिक्षा को ऐसे आराम से पा नहीं लिया, सावित्रीबाई फूले का संघर्ष हमारे सामने है। ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने की पहल कदमी ली, उसके बदौलत उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा। उनके सामने एक चुनौती थी कि क्या तो सावित्रीबाई फूले को पढ़ाएं या घर छोड़ दें, तो उन्होंने घर को छोड़ना ही चुना क्योंकि समाज सुधारक थे, महान पुरुष थे, उन्होंने यही रास्ता चुनना था, उन्होंने चुना। और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 9 लड़कियों से स्कूल शुरू किया, जिसका हम सब जानते हैं कि किस तरह उन्हें उसका सामना करना पड़ा। पढ़ाने जाती थी तो किस तरह उनके साड़ी पर कीचड़ डाल दिया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी। और गजब की बात यह है जो मुझे थोड़ा सा वो करती है, प्रभावित करती है ये घटना, कि सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा फूले ने से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने उपाय दिया कि तुम एक और साड़ी ले जाओ, तुम वहां जाकर बदल लो, अच्छी पहनकर बच्चियों को पढ़ाओ, आते समय फिर वो दूसरी साड़ी डालो जो पहले कीचड़ में हो गई है जाते हुए, और इस तरह से करती रहो, तुम उन्हें कुछ कहो मत। कुछ समय बाद में तंग आकर वो अपने आप बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक किया। ये एक चुनौती की तरह सामने आया कि ज्योतिबा फूले की ये राय काम नहीं आई सावित्रीबाई फूले के, उन्होंने लंबे समय तक किया, वो भी नहीं हारे। रोज उन्होंने गालियां देनी, उन लड़कों की टोल ने उनके पीछे जाना, उन पर कीचड़ डालना। सावित्रीबाई फूले फिर खुद डिसीजन लेती हैं। एक दिन वो रुकती हैं, जब कीचड़ डालने वाले लड़के उनके पीछे आ रहे थे, एक दिन वो रुकती हैं, मुड़ती हैं, और जो लड़का बिल्कुल उनके सामने था उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं। और उस जोरदार तमाचे ने उस लड़के को, उस टोली को बंद कर दिया उनके पीछे आना। तो ये साहस था उस महिला का कि उसने खुद प्रयोग करके देखा कि इनको कैसे रोका जा सकता है। और ये घटना मुझे जो है काफ़ी वो देती है, ऊर्जा देती है कि किस तरह से उन्होंने डटकर सामना किया और किस तरह उन्होंने पलटकर जब उसका विरोध किया खड़े होकर, तभी वो जो चीज़ थी उनके साथ लगातार हो रही थी वो रुकी और बंद हुई। हालांकि ये एक शुरुआत ही थी, कोई पढ़ना इतना आसान काम हो गया होगा ऐसा नहीं मानती मैं, लेकिन उसका 1 से 2, 10, 20, 50, 100, 150 संख्या बढ़ती गई होगी। और उसका असर था हमारे जो 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने समाज सुधार आंदोलन चलाए, उसका नतीजा था कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने उसमें भाग लिया। वो शराब के ठेकों पे धरना दे रही थी, वो देश अपने विदेशी कपड़ों की होली जला रही थी, वो क्रांतिकारी ग्रुपों में जा रही थी। कल्पना दत्त, प्रीति लता जो है हमारे लिए उदाहरण है, दुर्गा भाभी हमारे लिए उदाहरण है, क्रांतिकारी ग्रुपों में भी वो शामिल हुई और महिलाओं ने जितना शिक्षा का प्रचार हुआ तो वो एक स्वरूप भी हमारे सामने आया कि आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं ने थोड़ा घर से बाहर आई। कुछ संख्या प्रतिशत जरूर अब की तरह जितनी नहीं रही होगी, लेकिन महिलाएं आई और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये शिक्षा का जो शुरुआत था सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के जो प्रयत्न थे उनका असर था कि हम देखते हैं कि महिलाएं किस तरह से आती हैं। इसके बाद हमारे संविधान, ये जो आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने जो भाग लिया, वो महिला मुद्दे भी जिस तरह
ये तो नहीं है कि लिंग भेद जो है वो केवल हिंदुस्तान में रहा है और बाहर रहा नहीं है। जाहिर सी बात है यूरोप और अन्य देश, और अब भी कुछ हद तक तो लिंग भेद है, उसे कभी नहीं नकारा जा सकता। केवल हिंदुस्तान में हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ी ज़्यादा डरावनी और भयावह थी, इससे भी नहीं नकारा जा सकता, और जगहों से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं सोचती हूँ कि मैं एक और मतलब बात कहना चाहती हूँ कि जो मैं आज़ादी से पहले की जो बात कह रही हूँ कि जो पीड़ाएं थी, देखो उसको किस तरह मान्यता प्राप्त थी। मैं रमाबाई एक जगह लिखती है कि उनके उन्होंने एक पुस्तक देखी, एक बड़े विद्वान आदमी ने, बड़ा योगदान रहा है लोगों का, एक विद्वान आदमी ने लड़कों को, जाहिर सी बात है विद्यार्थी लड़के ही होते थे, तो लड़कों को नैतिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी। उसमें कुछ प्रश्न हैं, मुझे सारे प्रश्न याद नहीं है, मैं कुछ प्रश्नों को जो याद हैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेती हूँ। कि वो लिखती हैं कि उन्होंने लिखा लड़कों को समझाने के लिए प्रश्न उत्तरी बनाई, जैसे कई बार होता है ना सरल उसमें बना देती हैं प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, तो भाई बात जरा आसानी से समझ आ जाएगी। तो उन्होंने प्रश्न उत्तरी लिखी, उसमें लिखते हैं कि नरक का द्वार कौन है, उत्तर लिखता है महाशय जी कि नरक का द्वार स्त्री है। सबसे खतरनाक नशा कौन सा है, सबसे खतरनाक नशा स्त्री का है। वो कौन सा नशा है जो इंसान को बर्बाद कर देता है, वो स्त्री का नशा है। कौन महान पुरुष होता है जो स्त्री से दूर रहता है, कमाल की नैतिकता है। स्त्रियों बिना तो आपका जन्म ही नहीं होता, आप पलते भी नहीं हो, और आपने सारा जोर लगा रखा है स्त्रियों से दूर रहने का, ये हमारी नैतिकता। मतलब एक आदमी युवाओं को शिक्षा दे रहा है, गजब शिक्षक है, नैतिक मूल्य दे रहा है। फिर आप समझ लो कि जिस देश में ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं तो वहां स्त्रियों के साथ क्या होता है। तो ये पंडिता रमाबाई ने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अपने दौर की इन चीजों को रेखांकित किया है, और यही कारण है कि पितृ सत्ता के चलते हमारे महान सुधारक कबीर जैसे ये लिख जाते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गति जो नित नारी के संग। जाहिर सी बात है इतने बड़े समाज सुधारक थे, इतने बड़े विचारवान थे। मेरा मैं बहुत पसंद करती हूँ कबीर की दोहे चुपाइयाँ, उनके जो भी गीत जो भी हैं बहुत पसंद करती हूँ थे। लेकिन कबीर जैसे, मैं तो कबीर की बात कर रही, इतने प्रगतिशील लेखक थे और उन्होंने मतलब ये लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मनोविज्ञान जो है वो क्या काम कर सकता है, और किस तरह से हमें हम चीज़ों को देखने के आदि हैं।